अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे चैनल में खुश आमदीद। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। और गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। प्लीज मुझे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे, और मैं कोशिश करूंगा आप सबकी रिक्वेस्ट जल्दी से जल्दी पूरी करने की। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रही है, और बहुत ज्यादा प्यार भी मिल रहा है। तो मुझे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे, और मैं कोशिश करूंगा सबकी रिक्वेस्टें पूरी करता रहूं। ठीक है गाइज, आज जो मैं वीडियो देखने के लिए, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा लोग रिक्वेस्टे कर रहे थे कि यार सिर्फ टिकटॉक पे शुरू हो गए हो, क्या पंगा पड़ गया। तो एक्चुअली मैं सिर्फ टिकटॉक पे नहीं हूँ, अगर मुझे कोई दूसरी रिक्वेस्टें आएंगी तो मैं दूसरों पे भी रिएक्शन दूंगा ना। अभी मुझे रिक्वेस्टें आई टिकटॉक की रही, तो मैं क्या करूँ, कुछ और नया सेंड करो, ओएसटी सेंड करो, लोकेशंस कुछ भी सेंड करो, मैं हूँ ना यार, हूँ ना आपके साथ देखने के लिए। तो गाइज, आज मैं वीडियो देखने के लिए हूँ, इसका नाम है प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल आवर वाइंस। आपको पता है कि आवर वाइंस को मैं बड़ा पसंद करता हूँ, इनके पठान का तरीका और हर चीज। तो आइए मिलकर देखते हैं आवर वाइंस की ये वीडियो कैसी है। द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट स्कूल, द अराइवल प्राइवेट स्कूल। सही है, सही है, सही है। A computer is an electronic device. Any kind of computer consists of a hardware and a software. Asim, give an example of hardware. Sir, mouse, keyboard, monitor, CPU, hard disk, etc. Very good. Clap for him. ये कंप्यूटर है, ये इसका इंजन है, ये इसके दुम है, इंजन से कंप्यूटर चलता है। इस पे हम क्या देखते हैं? इस पे हम फिल्में देखते हैं। वही जो को सबक पे आया कना ललू, यार भूख लगा दी मुझे। शेयरिंग टिकटॉक उमेश क्या लेकर आए हो? अमचूरा। वाओ, तुम पराठा। और तुम? चीनी पराठा, वो पार्टी करते हैं। ओह ये चीनी के ऊपर पराठा, पराठे के ऊपर चीनी, वो बेमेर वाला हिस्सा। जाओ मना यार, कल मैंने उबला हुआ अंडा दिया था। नहीं नहीं नहीं, तुम पार्टी में नहीं हो यार, थोड़ा सा दे दो। तुम अमचूरा मत कहो, फिर सारे स्टूडेंट्स गिला करते हैं क्लास में। जाओ जाओ मना। स्कूल के बारे, क्लास के बारे खराब हो जाओ। आज आपने फिर होमवर्क नहीं किया? सर वो एक्चुअली गांव गया था तो बिजली नहीं थी। गेट आउट ऑफ माई क्लास। सर रोज तो करता हूँ, आज नहीं किया पहली बार। गेट आउट ऑफ माई क्लास। सर फिर से करूंगा। आई से गेट आउट ऑफ माई क्लास। गेट आउट। इसे पैंटी भरनी है इनको। सईद अली, होमवर्क फिर नहीं किया? सर सर आपकी कसम, शेख पीर का सारा होमवर्क मैंने की थी, लेकिन घर भूल। कौन सा पीर? शेख पीर।
कौन सा पीर? शेख पीर, पीर। शेख पीर? हाँ। शेख पीर। क्यों? शेख पीर नहीं है। शेख, शेख पीर, शेक्सपियर, शेक्सपियर, शेख पीर। शेख पीर नहीं। और मेरी कसम झूठे कहोगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसे देखो, पढ़ो, पढ़ो। सर जी एक बात पूछूं? पूछो। सर ये शेख पीर बुनियर का नहीं था? बुनेर का नहीं थे, बाजावड़ का था, बाजावड़ का था, बुनेर का नहीं था, इतना नहीं पता ये क्या चीज। वो बुनेर वाले की तरह लग रहा था, तो इस बाजावड़ का था बेवकूफ। अच्छा इधर आओ, दूसरा हाथ दबाओ। सर आपके लिए मेरे अब्बू ने फ्रांस से ये स्पेशल घड़ी लाए, फॉसिल करती है। फ्रांस से? तो ये आपके लिए सर। जजाकल्लाह बेटा। देखिए बच्चों, उस्ताद आपको रूहानी बाप होता है। अगर आप उस्ताद की इज्जत करेंगे, अल्लाह आपको जन्नत में मकाम देगा। इस बच्चे ने मेरी इज्जत की, अल्लाह इसको जन्नत में ऊंचा मकाम देगा। अबू जी पानी पीने जाओ। अबू अभी आपने कहा ना कि उस्ताद रूहानी बाप होता है। कितने नंबर है? तीन सर। तीन नंबर है, दस में से आपने तीन नंबर दिए। हाथ पकड़ो, पको हाथ, फिर पकड़ो, पकड़ो। कितने नंबर है? वेल डन, शाबाश। कितने आपके? सात सर। अरे बबू, अरे बबू केना कार कवा बया। कितने नंबर है? पांच। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। मुड़ो 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 मुड़ो। बैठो। कितने? दो। कुलिया, क्या आवाज आ रही है? कुलिया, कार कवा का ना, कार कवा का ना, कार कवा। पासा, पासा। कितने नंबर है? Oh no! वाह 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 वाह, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश, सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है। इसके लिए क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। वेल डन, शाबाश, शाबाश। कार कवा का, कार कवा। इससे कुछ सीखो, इससे कुछ सीखो। कितने नंबर है तुम्हारे? टेस्ट घुमाए, टेस्ट घुमाए, टेस्ट घुमाए। मुड़ में खादे की नहीं? मैं बाद में बताऊंगा स्टोरी। जी दा मठई भी आओ खरीखा। द लोड शेडिंग प्राइवेट स्कूल। Pin drop, silence. Stupid. अल्लाह अकबर। उई 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 आई 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 तब्दीली आने रही। लाइट आ गई है। सर जी मैं वो गपला बोलो। इधर आओ, आपको मैं कब दिखाता हूँ। सर जी, सर जी बाघ के दुबरा दुबरा लो काट शिवी जर जर सभा बदला रोड़ा। सर जी कोरने अंडे दी। सर जी बार बने रूजे रोर में बवा लाड़ी बार तब गोरे उम्र सारी। एक बात बोलूं, आवर वाइन्स की वीडियो वाकई में बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोगों ने पहली बार देखी है तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि मैंने पहली बार नहीं देखी, मैंने काफी बार इनकी वीडियोस देख ली हुई हैं। बात करें तो वीडियोस की, बहुत ही अच्छी इनकी कॉमेडी टाइमिंग है, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, बहुत ही आला तरीके से वीडियो बनाते हैं। इसमें जो पठान और जो दूसरा लंबा माशाल्लाह तगड़ा लड़का ना, उसकी बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त लगते हैं मुझे ये दोनों, बहुत ही आला एक्टिंग करते हैं। इनकी सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है कि जो भी ये टॉपिक लेके आते हैं या कुछ भी लेके आते हैं उसमें फनी मजाहिया कुछ ऐसी चीज लेके आते हैं जिसको लोग देखिए, जिसको लोगों को देख के मजा आए, इंटरटेनिंग हो। जैसे कि आज की वीडियो थी प्राइवेट स्कूलों में, आपको जैसे कि पता है
आजकल फीसें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं स्कूलों के, आपको पता है छोटा सा बच्चा भी जा रहा ना उसकी भी 3,000-2,500 से फीस शुरू हो रही है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो गई आजकल की पढ़ाई और बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन हमारे टाइम की एक बात करूँ तो मैं जब पाकिस्तान में पढ़ता था ना तो मैंने बड़ी मार खाई हुई है, मेरे ये उल्टे हाथों पे ना छड़ियाँ पड़ती थी। उसके बाद जब सुपारा पढ़ने जाते थे तो जो हमारा कारी होता जो जो हमें पढ़ाता था उसे हमें पाइप पढ़ते थे, पता जो पाइप होते हैं ना कहते हैं उसे, छोटा एक पाइप आता है हार्ड पाइप होता है ठीक है, इतना सा लंबा होता है, इतना लंबा इतना एक एक डेढ़ फुट का होता है शायद के एक मीटर जितना भी कहते हैं उसे, ओए हो बड़ी मार पड़ी हुई है हमें उनसे, बड़ा मारते थे वो लोग छरियाँ ठीक है। तो मार हम लोगों ने बड़ी खाई है, फिर जब यहाँ पर आ गए यहाँ पर जो स्कूल में स्टडी की हम लोगों ने यहाँ पर तो हमें कभी मार नहीं पड़ी, अगर एक दो बार पड़ी भी होगी ना तो फिर सर के हाल बुरे होंगे ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता है, हालांकि पाकिस्तान में भी जहाँ पे पढ़ा था वो प्राइवेट स्कूल ही था लेकिन वहाँ पे बड़ी फेंटी पड़ती थी, अल्लाह माफ करे, बड़े मारते थे। सर्दियों के दिनों में भी ना उल्टा हमारी एक मिस होती थी ठीक है, माशाल्लाह है अभी अल्लाह उन्हें और जिंदगी दे, बहुत ही आला जिंदगी आला टीचर थी हमारी ठीक है। हम लोग उसे बाजी पक्को कहते थे, यानी बाजी हम लोग उनके घर में परे परे हैं मैं मोस्टली। तो वो पता जब स्कूल में कुछ आता नहीं था ना तो पेन लेके ना पेन कान के ऊपर ना पेन रख के ना ऐसे कुछ छुपाती थी, या पेन लेके उंगलियों में देके ना ऐसे तो ऐसे दबाती थी, ओहो अल्लाह अल्लाह वादे निकलवा देती थी। लेकिन अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, बहुत ही अच्छी टीचर थी एक्चुअली, मैंने अगर कुछ सीखा था उनसे, और एक और थी मिस समरीन, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो स्कूल की याद आ गई, ताज़ा हो गए स्कूल की यादें ताज़ा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त लगा, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया देख के भी। और आजकल तो प्राइवेट स्कूलों में मार भी नहीं सकते ना, अभी तो शायद गवर्नमेंट में भी नहीं मार सकते, बच्चे केस कर देते हैं, माँ बाप आ जाते हैं ये वो, कुछ टीचर तो देख के समझ भी गए होंगे। बाकी बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत मज़ा आया, आई होप कि आपको मज़ा आएगा गाइस। अगर मज़ा आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बाकी मिलेंगे मेरी अगली वीडियोज़ में और इंशाल्लाह मैं और भी अच्छी तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों को वो भी देखने को मिलती रहे। बाकी मिलेंगे अगली वीडियोज़ में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, लव यू। मेरा फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन और इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। We'll be right back.